वेलकम बैक दोस्तों। तो एक बार फिर से आप लोगों के डिमांड पर लेकर आ चुका है एक और व्हाइट कलर की टाटा नैनो कार, जो कि काफी जबरदस्त होने वाली है। और ये जो गाड़ी है टॉप एंड मॉडल वाली नहीं है दोस्तों, टॉप मॉडल से एक मॉडल नीचे की गाड़ी है, जिसका से इसमें पीछे जो बूट होता है ना वो सब ओपन नहीं कर सकते। इसका आपको पीछे का डोर ओपन करके पीछे का बूट के पास जाना पड़ेगा। बाकी इसमें यही दिक्कत है, बाकी दिक्कत तो कोई नहीं था इसमें भी। पेट्रोल वेरियंट गाड़ी आपको मिल जाएगी, मॉडल मैंने आपको शायद से नहीं बताया, टाटा नैनो 2015 मॉडल आप देख रहे हैं, पेट्रोल वेरियंट। हालांकि इसमें आप लेने के बाद चाहें तो सीएनजी में इंस्टॉल करवा सकते हैं, बहुत लोग तो ऐसे ही कर रहे हैं, बहुत लोग ले भी चुके हैं गाड़ी हमारे तरफ से, और लोग यही बोलते हैं कि भाई लेने के बाद हम सीएनजी इंस्टॉल करा लिया करते हैं। बहुत लोग को नहीं पता कि नैनो क्या एवरेज निकाल कर देती है, चलिए मैं आज आपको बताता हूँ। दोस्तों सिटी में आपको एवरेज बहुत आराम से 19-20 का निकाल कर देती है, वहीं अगर हाईवे की बात करें तो हाईवे में आपको 23-24 का आराम से निकाल कर दे देती है। अगर आप इसमें सीएनजी लगवा लेते हो तो सीएनजी के बाद काफी बढ़िया एवरेज निकालती है। सीएनजी पे आपको सिटी में बहुत ही आराम से 25-26 निकाल कर दे देगी, हाईवे में तो लोग बोलते हैं 35-36-40 भी चली जाती है, बट मैं भाई कंफर्म आपको बता नहीं सकता कि जाती है नहीं, क्योंकि मैंने अपने आंखों से नहीं देखा है, ठीक है। बाकी वीडियोस मैंने भी देखा था, वीडियोस में तो लोग बना रखे हैं वीडियोस, तो उस पर खैर ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। अगर हम बात करें दोस्तों इसके सीएनजी फिटिंग के बारे में कि कितने रुपए लग सकता है अगर हम पेट्रोल ले लेते हैं बाद में सीएनजी इंस्टॉल करवाना चाहें तो। देखिए दोस्तों, अगर आप इसमें सीएनजी दो तरीके से लगवा सकते हैं, एक तो होगी आपके ब्रांड न्यू सीएनजी, दूसरी होगी आपके सेकंड हैंड सीएनजी। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन सा सीएनजी लगवाएंगे, ब्रांड न्यू या फिर सेकंड हैंड। अब बहुत लोग ये भी नहीं पता कि सेकंड हैंड सीएनजी क्या होता है, ब्रांड न्यू सीएनजी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए सेकंड हैंड अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो सीएनजी का जो सिलेंडर होता है ना बस वो सेकंड हैंड यानी कि पुराना लगता है, दूसरे गाड़ी का निकला हुआ। बाकी ब्रांड न्यू में तो आपको पता ही है, ऑब्वियस बात है, सब कुछ नया ही होता है। और सेकंड हैंड में क्या है कि वायरिंग जो आपका नया होगा, बाकी सिलेंडर बस पुराना होने वाला है। तो चलिए इसके बारे में आपको पता चल गया होगा, अब मैं आपको प्राइस बताता हूँ। अगर आप सेकंड हैंड सीएनजी लगवाएंगे तो अभी के डेट में आपका 15-20 हज़ार में आराम से सीएनजी इंस्टॉल हो जाने वाला गाड़ी के अंदर। वहीं अगर आप ब्रांड न्यू लगवाते हैं तो 30-40 हज़ार के आसपास आपका खर्चा आ जाने वाला है सीएनजी लगवाने का। तो चलिए आपको पता चल गया होगा सेकंड हैंड और सीएनजी के बारे में और ब्रांड न्यू सीएनजी के बारे में। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ इसके किलोमीटर के बारे में, ये जो गाड़ी है कितने किलोमीटर चल चुकी है। दोस्तों ये जो गाड़ी अभी तक सिर्फ 50,000 किलोमीटर चली हुई है। अगर हम गियर की बात करें तो इसमें आपको मैनुअल गियर देखने को मिल जाएगा, फर्स्ट ऑनर गाड़ी है। बात करें प्राइसिंग की तो दोस्तों इस गाड़ी का प्राइस रखा गया सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपए। जी हाँ, 35,000 रुपए लेकर के और गाड़ी को आप अपने घर ले जाएं। इतना ही नहीं, अगर आप इस गाड़ी को ईएमआई यानी कि फाइनेंस कराना चाहते हैं तो भाई साहब फाइनेंस का हमारे पास कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। वो इसलिए मुझे बोलना पड़ा क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं यार जो कि कमेंट करते हैं कि भाई फाइनेंस करा दो, इस पे भाई क्या ही फाइनेंस होगा। आपको सोचो 35,000 रुपए का ऑलरेडी, इसमें क्या फाइनेंस होगा। ऑनर का कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको गाड़ी बाई करना है तो डिस्क्रिप्शन से आप नंबर उठाए, कॉल लगाए, ऑनर से आपको बात हो जाएगा। जो भी आपको गाड़ी के बारे में जानकारी चाहिए बात करके पूछ सकते हैं, एक बार जाके गाड़ी को देखें, टेस्ट ड्राइव लें। टेस्ट ड्राइव लेने के बाद अगर आपको गाड़ी पसंद आए तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। बात किस वीडियो में, बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ।